भाभी मुझे भी दे दो। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं रायते का सामान तैयार कर रही हूँ, चटनी बना रही हूँ। हम यूज करते हैं ये वाला दही। हाँ जी, तो ये मेरे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, ये मैं बनाने लगी हूँ चिकन का सालन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और खैर वाफियत के साथ हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि मेरी नंद लोगों की आज दावत है, आज 15 शाबान है, उन सब का मैंने डिनर किया है, खाने पे इनवाइट किया है। आज मेरी ससुराल फैमिली की दावत है मेरी तरफ। तो अभी इस टाइम पे हो रहे हैं 5:30 का टाइम हो रहा है। अभी मैं खाना वाना बना रही हूँ, अभी तक मेहमानों में से कोई भी नहीं आया क्योंकि रात के खाने पर इन्वाइट किया है, तो हो सकता है थोड़ा सा लेट आए सारे। और मैं साथ साथ अपना घर समेट रही हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ, बस इसी तरह से मेरा पूरा दिन गुजर रहा है। सॉरी मैं आपके साथ अपना सुबह की रूटीन शेयर नहीं कर सकी क्योंकि थोड़ी सी मसरूफ़ थी, आज काम वाली भी नहीं आई थी क्योंकि आज 15 शाबान थी, उसका रोज़ा था, तो मैंने उसे छुट्टी दी। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे पास रात में जागने के लिए कुछ लड़कियों ने आना था, कुछ मेरी फ्रेंड्स थी और उनमें मेरी काम वाली भी शामिल थी। तो सारी रात उनके साथ जागे, हम लोग इबादत की और उसके बाद सुबह हम लोगों ने रोज़ा रखा। और मैंने उसे मना किया कि आज आप काम पे मत आना, आज आप घर पे आराम करना। और अफ्तार के बाद मैंने कहा है कि आज ना थोड़ी सी मेरे साथ हेल्प करवा देना। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी मना रहे हैं, मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बड़ी बेटी की क्या कंडीशन है। बिल्कुल पैंपर में बैठी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ और साथ साथ मैं आपको अपने खाने का भी दिखाती हूँ। अभी बस मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है, तो चलें मेरी बेटी की तरफ। हाँ जी, तो फ्रेंड मेरी नंद आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको अपनी छोटी नंद से मिलवाती हूँ। ये है मेरी छोटी नंद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ये कैमरा शाय है, इसे अभी तक नहीं इतना पता, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कैमरा शाय नहीं हूँ, ये बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हो। देखिए दूर जाके खड़ी हो गई है, ये मेरी सबसे छोटी नंद है। बाकी इनसे जो थोड़ी बड़ी हैं वो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगी, अपनी सास से भी मिलवाऊँगी। और ये मेरी नंद की बेटी है मानूर। मानो इधर देखो, इधर देखो मामी को। हेलो, ये देखो कितनी प्यारी है। ओहो बोलो, आ जाओ सारे, हेलो करो, ऐसे हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। ये देखें जी, ये मेरा जिन आ गया है। इनकी बहुत बनती है। ये दोनों भाई फ्रेंड्स हैं, इनकी बहुत बनती है और लड़ती बहुत। देखिए खुश कैसे हो रही कैमरा देख के। ये अपनी मामी की तरह कैमरा शाय बिल्कुल भी नहीं है, मामा इनकी बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हैं। बाकी मैं आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ ज़रूर मिलवाऊँगी, जो कैमरे के सामने आना चाहेंगे उनसे मिलवाऊंगी, जो नहीं आना चाहेंगे उनके लिए माजरत। बाकी खाने खाते टाइम की जो वीडियो होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैं रायते का सामान तैयार कर रही हूँ, चटनी बना रही हूँ। सब कुछ रेडी हो चुका था, सिर्फ एक ये रह गया क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे जो मेरे बहन के चाचू हैं थोड़े से लेजी हैं। 2 घंटे से मैंने बोला हुआ था मुझे सामान ला के दे, चाचू इज हियर। 2 घंटे से बोला हुआ था मुझे चटनी का सामान ला कर दे, लेकिन ये अभी आ रहा है। हाँ जी, नूर को दे दो भाई, आप बनाओगे? अच्छा उधर कैमरे में बातें भी करो नूर फातिमा। ये क्या किया बच्चों ने, पकड़ना था इसके हाथ से, मोबाइल सीधा कर दिया। आ रही हूँ एक मिनट। हाँ जी, तो फ्रेंड्स चटनी मेरी रेडी है, इसमें मैं डालने लगी हूँ दही। हम यूज करते हैं ये वाला दही। लेकिन ये जरा ये होता है कि घर पे हर टाइम पे पड़ी हुई होती है, कभी बच्चों को खाना होता है, कभी क्या। अभी ये यूज करती हम तो लेना।
और अभी खाना सालन थोड़ा ठंडा हो गया था, गर्म हो रहा है। बस खाना अभी सर्व करते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। चटनी दिखाओ मेरी भाई। वाओ ये देखिए, कल करेंगे सर्व वाली। नहीं नहीं बस खाना भी सर्व करना। तो फ्रेंड्स मेरी जो मैंने आपको पहले अपनी नंद से मिलवाया था उससे बड़ी है ये नंद, लेकिन लगती थोड़ी सी छोटी है, तो आप इनसे भी मिलने उठ के खड़ी हो जाओ। ये कैमरे में नहीं आती लेकिन मेरे लिए आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी मुझसे बड़ी है लेकिन लगती बहुत छोटी है, देखें। इनके माशाल्लाह से चार बच्चे हैं। फैस हेलो, ये इनका बड़ा बेटा है। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, सही से बात करो। बोलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी मामी के चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो। बोलो ना जैसे बोलते हो मामू के। मेरी मामी के चैनल को सपोर्ट करो, लाइक। और ये उनकी दूसरी बेटी है, ये रही। ये जो भी पहले मैंने दिखाया सबसे बड़ा बेटा है, ये उनसे छोटी है। और हटो भाई, ये हमारा मैन बंदा है, सबसे शरारती बच्चा है, ये उनसे छोटा है। और एक और पीस अभी कहीं नीचे है, उनसे भी मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। जी फ्रेंड्स ये देखें मेरा मसाला, बस हम करीब हैं, मैं इसे भून रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे चावल रेडी हो चुके हैं, इसका मैं दम खोलने लगी हूँ। कायनात ज़रा खोलना, बहुत अच्छी खुशबू। ये देखें ये है मेरा पुलाव, अगर किसी ने खाना है तो आ जाए, गरम गरम है। माशाल्लाह माशाल्लाह खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे भी मुझे बहुत भूख लगी हुई है, खाना बहुत अच्छा। अभी आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, मेरी नंद कह रही खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें सब कुछ रेडी हो चुका है। ये सारा खीर मैंने जो है ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दी, इसमें अब थोड़ी सी रह गई है। इधर नीचे सालन रोटी, सालन है, दिखाओ। ये बर्तन वगैरह भी निकाल दिए हैं, अब जब खाना हम सर्व करेंगे तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये देखें खाना भी मेरा बिल्कुल, सालन भी रेडी है, ज़बरदस्त। चलें भाभी मुझे भी दे दो। ये जी फ्रेंड्स तो मेरे मेहमान सब जा चुके हैं, इस टाइम पे रात के पौने एक का टाइम हो रहा है, 12:45 हो चुके हैं। और मैं अपने बच्चों को सुला रही हूँ, तकरीबन अभी मेहमानों को गए हुए कुछ ही देर हुई है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है मेहमानों को गए हुए, और मैं अपने बच्चों को सुला रही हूँ। ये देखें मेरी ये नूर सो चुकी है, ये जूता आपको नज़र आ रहा होगा, ये नूर फातिमा ने चारपाई पर रखा है, ये यूज़ हुआ हुआ नहीं, आप ये मत समझिएगा कि यूज़ जूता, इन्होंने चारपाई पर रख दिया। ये मेरी बेटी ने अंदर डिब्बे से निकाल के चारपाई पर जूता रख दिया, और मैं एक बेटी को झूले में डाला हुआ उससे सुला रही हूँ। और बस अब थोड़ा सा घर को समेटूंगी, फिर व्लॉग जो है एडिट करूंगी। सॉरी फ्रेंड्स मैं ना बात थोड़ी सोच सोच के करती हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बात करूँ, मैं हमेशा बात करते करते कुछ देर के लिए चुप हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीड में बात मुझसे नहीं की जाती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज आपको मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा प्लीज़, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।